ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसिंग हो जाए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए, या मूवी को आप देख लें, सारा वो इंडिया कल्चर को कॉपी कर रहा था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है, करना ही नहीं है ना। इन्होंने कहना कि गुलाम पैदा हुए थे, गुलाम बनेंगे, माँ क्या क्यों इंडिया वालों बता दूं, बता दे, नच बजा बन, नच बजा बन, नच बजा बन, नच, कैसा था, मजा आया? मेरा ख्याल है रीसेंट एक सॉन्ग है वरुण धवन का, वही है ना। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, बहुत दिल से स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम काफी इंटरेस्टिंग चीज सुनने वाले हैं। पहले तो तुम लोग को शौक लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, बट फिर हम लोग हंसने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ आज के हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है इन विच फील्ड इंडियन कॉपी पाकिस्तानी पीपल। तो मतलब टाइटल समझ में आया कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें इंडिया वाले पाकिस्तान को कॉपी करते हैं। अब मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी है कौन सी चीज जिसको हमें कॉपी करना पड़े। तो इसको सोचने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा और मेरे ख्याल से वो पूरी रात भी लग जाएगी, तो शायद हमें इसका आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी फील्ड होगी जिसमें इंडिया को पाकिस्तान वालों को कॉपी करना पड़े। ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान वाले लोगों की क्या सोच है, उन लोग को क्या लगता है कि हम इंडिया वाले उन लोगों को कॉपी करते हैं, और उन लोगों को शायद उससे खुशी मिलती होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ही है वीडियो में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मिर्जा खान हमें कोई ऐसी फील्ड एक बता दे, कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। क्यों इंडिया वालों बता दूं, बता दे, नच बजा बन, नच बजा बन, नच बजा बन, नच, कैसा था, मजा आया? ये मेरा ख्याल है रिसेंटली एक सॉन्ग है वरुण धवन का, वही है ना। लेकिन वैसे इब्रारुल हक का ना मैं फैन नहीं हूँ, यकीन मानो कोई फैन नहीं होता, लेकिन जब ये गाना सुने ना उनका, मैं कह यार इब्रारुल हक खेल गया, सी खेल गया मैच। इसके अलावा कोई और फील्ड, एजुकेशन, आईटी, साइंस, कोई एक फील्ड? बाकी मुझे लगता है कि वो हमसे आगे हैं, तकरीबन आगे, मुझे नहीं लगता कि वो कॉपी करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं वो ठीक है, बट कॉपी नहीं, वो हमसे आगे हैं मुझे लगता है। देखे हर चीज में आगे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए तादाद बहुत ज्यादा है ना, लेकिन झुंड बहुत ज्यादा है, हमारे पास झुंड नहीं है। आपको लगता है कि झुंड ज्यादा, झुंड को लेकर चलना ज्यादा आसान होता है? नहीं आसान नहीं है, मुश्किल काम है, ये बात मानने की कि मुश्किल काम है। इतने क्रिएटर्स बैठे हैं कि लाइक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास 10 है तो उनके पास 100 हो जाएंगे, हमारे पास 1 है तो उनके पास 10 और हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, होता रहता है। बिलाल कोई एक ऐसी फील्ड बता दें पाकिस्तान की जिसे इंडिया कॉपी करता है। आई गेस आर्ट, म्यूजिक, कभी कभी जो है वो सॉन्ग्स वगैरह रिक्रिएट होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कॉपी करते हैं। कभी कभी जो है वो म्यूजिक जो है वो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के साथ जो है उसकी नसीब सिमिलैरिटीज आ जाती हैं उसमें, विजुअल्स में, म्यूजिक में, साउंड में और लिरिक्स में, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रिक्रिएट करते हैं, कॉपी नहीं करते। इसके अलावा कोई और फील्ड जिसमें आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? कॉपी तो नहीं करता होगा, लेकिन आई गेस कंपटीशन करता है इंडिया, मतलब पाकिस्तान से प्रॉपर स्पोर्ट्स में हो जाए या फिर इस तरह, और कॉपी नहीं, मैं समझता कि कॉपी करते हैं। पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है? हाँ पाकिस्तान भी जो है आई गेस करता होगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर लूँ तो आई एम अ फैशन फिल्म मेकर, तो कभी कभी मुझे इंडिया के म्यूजिक्स और इंडिया का वो फैशन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके सॉन्ग्स वगैरह अपने फैशन फिल्म्स में ऐड करता हूँ उनका म्यूजिक, और मुझे उनकी वो जो इंडियन फील है, इंडियन वाइब, जो एस्थेटिक्स हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आई गेस काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स को अच्छे लगते हैं। तो फैशन का है कि वो ज़रा हमसे ज़रा इंडिया आगे है फैशन में आई गेस। पिज़ा कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसिंग हो जाए, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो जाए, या मूवी को आप देख लें, सारा वो इंडिया कल्चर को कॉपी कर रहा था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है। क्या वजह है इसकी कि हम लोग इंडिया को इतना कॉपी करते हैं? क्योंकि उनकी जो कंटेंट है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ में, तो इसलिए उनको लगता है कि उनकी रेटिंग भी अच्छी आएगी और मतलब लोग पसंद भी करेंगे। मेरे ख्याल से सिंगिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी हमारे नुसर साहब के गाने हैं, ठीक है, वो सारे उन्होंने अपनी रिमिक्स करके, जो बुनो ट्याल और ये वो सारे, वो उन्होंने वही गाए हैं पूरी ज़िंदगी, उनका कैरियर ही जो है मेरा ख्याल है इनके गानों की वजह से ही बना। उसके अलावा भी पिछले दिनों एक जो मसला चला था इब्रारुल हक का गाना है वो नाच पंजाबन, जो उसने करण जौहर ने कॉपी किया था बगैर खरीदे, राइट्स खरीदे बगैर उसने जो है वो कॉपी किया था, तो सिंगिंग में बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से एक्टिंग भी, हमारी जो पुरानी मूवीज़ है उन्होंने उनसे बहुत चीज़ें उठाई। तो हम किन किन फील्ड में इंडिया को कॉपी करते हैं? हम सबसे ज़्यादा कल्चर में,
मतलब हमारा कल्चर अडॉप्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया की तरफ से, कि हम लोग उनके जैसे कपड़े और मूवीज़ आजकल जो अपडेटेड मूवीज़ आ रही हैं, जो जवानी फिर नहीं आनी है, वो जो अभी आई हैं जितनी, उनमें हम बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं उनके कल्चर को, उनके म्यूज़िक को, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, ये सारा कुछ वो उनके देख के हो रहे हैं, यही हो रहा है मूवीज़ में। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी आगे? हाँ, आईटी की फील्ड में कह सकते हैं, लेकिन वही है ना बात के देखें आप के वो पॉपुलेशन भी उनकी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, डेवलपमेंट में भी बस ठीक है, मैं नहीं मानता, मतलब हमें हुबुल वतनी के लिहाज से मैं कहूँगा कि नहीं, हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड है। और अगर हम हुबुल वतनी को एक तरफ रख कर बात करें तो डेवलप्ड फिर वो ज़्यादा। शहजाद को एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करना। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन उनका अगर दूसरा सिस्टम देखा जाए ना एजुकेशन का और फिल्म इंडस्ट्री का, वो काफ़ी आगे है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आर्मी के लेवल पे या मतलब सिक्योरिटी लेवल पे वो पाकिस्तान को कॉपी करता है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ सुपीरियर। इसी तरह जैसे 1947 के बाद अब तक उनका कोई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं था, पाकिस्तान ने बना लिया था, इस वजह से शायद इस मामले में कह सकते हैं कि उन्होंने कॉपी किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको एक ओहदा क्रिएट करके, एक डेजिग्नेशन क्रिएट करके उसको बनाया गया, ये इस चीज़ में हम कॉपी कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और फील्ड जिसमें आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है? कॉपी ऐसा हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो सकाफत है वो तकरीबन मिलती जुलती है, तो कॉपी तो ये होता है जैसे हम वेस्टर्न्स को कॉपी करते हैं, यूरोप को कॉपी करते हैं, पेंसिल पहन ली या कुछ उनके स्टाइल्स कॉपी कर लिए, लेकिन हम अगर इंडिया को देखें एज़ कम्पेयर टू, तो वो हमारी सेम सकाफत और मतलब उसमें कल्चर आ जाता है ज़्यादातर, तो कॉपी इस लिहाज से हम कम ही कह सकते हैं। बाकी उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा है, उनके आईटी का सेक्टर ज़्यादा है, उसकी फिल्म इंडस्ट्री, हाँ हम पाकिस्तानी ड्रामा उसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे हैं और उनको वो कॉपी करके कुछ थोड़ी अमेंडमेंट या थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, अब ये बता दें कि पाकिस्तान किन चीज़ों में इंडिया को कॉपी करता है? हाँ, पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है फिल्म में कह सकते हैं, पाकिस्तान फिल्म में काफ़ी पीछे है, फिल्म उसमें कॉपी कर सकता है। इसके अलावा इंडिया को कॉपी, हाँ उनकी ज़रात का शोबा है अगर इस साइड पे जाए, बाकी तो वो फैशन और वो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, पाकिस्तानी लड़कियाँ इंडियन ड्रामा को देख के उनके फैशंस कॉपी करती हैं, मतलब उनके डायलॉग्स, जैसे लास्ट ये स्टार प्लस चलता था तो उनको देख देख के कॉपीज होती थी। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही हमारी किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस स्पीड में इंडिया आगे जा रहा है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम इंडिया को कॉपी करें, ऐसा हम कुछ क्यों नहीं करते कि इंडिया हमें कॉपी करें? ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमारा जो यही मैंने कहा है ना कि वो उनको कॉपी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो उनको कम्पीट करने में लगे हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वो अपना कंटेंट लाएंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे, पाकिस्तानी कल्चर को लाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि वो अपने कल्चर को ज़्यादा पसंद करती है। क्या वजह है इंडिया कितनी डेवलपमेंट की? नहीं नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, आईटी में तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, लाइक पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन इनको मसला ये है कि इन्होंने ना गुलाम बन के जीना है, कि हाँ हमने गुलाम बनना है, कि भाई हाँ किसी सॉफ्टवेयर में हमने काम कर लेना है और बाहर से लोग इन्हें वो कर रहे होंगे, मोनेटाइज कर रहे होंगे, हाँ भाई ये काम करो ये कर देंगे, इनका आइडिया हो तो फिर बात है ना, आइडिया दूसरे का होता है, बनाते हैं बना लेते हैं ये बताए, आइडिया पे जो बना सकते हैं वो अपना आइडिया तो बना सकता है ना, ना इन्होंने करना ही नहीं है ना, इन्होंने कहना कि गुलाम पैदा हुए थे गुलाम बनेंगे, वहाँ क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इस वजह से मतलब कि अब जिस तरह काफ़ी सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाईली टैलेंटेड और इस तरह वो होंगे, तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि हिस्ट्री में अगर देख लिया जाए तो इंडिया बनिस्बत पाकिस्तान के उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और दो वो वहाँ पे गुरबत है और मतलब पॉपुलेशन है, लेकिन जितने भी मतलब के इंडिया ने मतलब एवरेज अगर हम देख लें या फिर इंडिया के जो अपर क्लास है तो उन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया है, जिस वजह से इंडिया जो है टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी आगे है। इंडिया के इतनी डेवलप कंट्री होने की वजह क्या? मेरे ख्याल से वो कंसिस्टेंट है, ठीक है कंसिस्टेंट भी इस तरह, और दूसरी बात यह है कि वो मतलब पाकिस्तान जो है ना हम लोग लैग करते हैं, हमारे पास आज तक हमें जो है वो अच्छा हुक्मरान नहीं मिला, ठीक है हम लोग और जो अच्छा आता है उसकी हम कदर नहीं करते, ठीक है तो अगर इमरान खान को 5-6 और एक साल रहने देते तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो तरक्की काफ़ी ज़्यादा हो जाती जी। उसकी वजह ये है कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनके इंडस्ट्रियल स्टेट है, ज़रात उनकी अच्छी है, उनके स्पॉन्सर काफ़ी हैं किसी भी मामले में, वो उनके पास मतलब स्पॉन्सर होते हैं, और दूसरा ये है कि वो रिलाई नहीं करते जैसे हम लोग हैं कि वो हम किसी भी मामले में अमेरिका उसको मतलब उस पर डिपेंड कर लेते हैं, चाइना को कर लेते हैं। अभी लास्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये था इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या बरतानिया ये सोचता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखें, हमारी प्रॉब्लम्स और हैं, अगर वो रशिया से ऑयल लेते हैं तो वो उनका है, उसमें किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो अपनी अपनी इंडस्ट्री को अपनी चीज़ों को ग्रो करते हैं, और जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से टैक्स के हिसाब से वो
सो ये थी गाइज हमारी आज की वीडियो, कि वीडियो में पूछा गया था कि पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को कॉपी कौन सी फील्ड में करता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये सोचने के लिए कि पाकिस्तान को किस चीज़ में कॉपी किया जा सकता है, कि तो उसके लिए तो हमको रात भर बैठ के सोचना पड़ेगा, उसके बाद भी हमारे माइंड में कुछ नहीं आने वाला है, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। और जो ये लाइक जो लोग कह रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में कॉपी करते हैं या जो भी है, तो वो कॉपी नहीं करते हैं, वो लोग रिक्रिएट करते हैं, और रिक्रिएशन के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, जो कि इन लोगों के पास तो है ही नहीं। तो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग ये बताइए कि पाकिस्तान इंडिया वालों को किस किस फील्ड में कॉपी करता है, क्या कैसे कैसे कॉपी करता है। तो आई नो बहुत सारी लिस्ट होगी सब लोगों की, तो मैं वो लिस्ट देखना चाहती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए कि भाई पाकिस्तान ने इसमें कॉपी किया हुआ है, इसमें भी कॉपी किया हुआ है, इसमें भी कॉपी किया हुआ है। तो मेरे को चाहिए कि आप लोग कमेंट्स करके मेरे को बताओ कि पाकिस्तान किस किस फील्ड में इंडिया को कॉपी करता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके तो आपको बताना ही है, चाहे आपको वीडियो पसंद आई हो चाहे नहीं बताई हो, कमेंट करके तो आपको जरूर बताना है। और ऐसे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या बोलूंगी मैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको मेरा ये क्यूट कह लो, गंदा कह लो, या जैसा भी कहना है, ये चेहरा बार बार देखने को मिलता रहे। तो आप बस दया करते रहो, प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए, और फटाफट से आप वीडियोस देख लो और हमें प्यार दिखाओ अपना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।